जब तंबाकू इस अवस्था में पहुंच जाता है तो इसके साथ कुछ प्रक्रियाएं की जाती हैं। जो ऊपर वाला हिस्सा है यानी कि जो इसकी मुंडी होती है उसको काट दिया जाता है, दो भागों में चीर दिया जाता है। ये आगे बढ़ रहा है तो इससे बीज आते हैं, भाषा में मथमरनी बोलते हैं। यहाँ पे ये जो तंबाकू है ये मझिया रोग का शिकार हो गया है, इसको भी उखाड़ देना पड़ेगा किसान बंधु को बहुत जल्द। नमस्कार किसान बंधुओं, स्वागत है आपका यूथ एग्रीकल्चर के एक और नए एपिसोड में। मित्रों, आज एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं तंबाकू की खेती के बारे में। जैसे कि आप सभी को हमने पिछले 3 वीडियो में बताया है कि हाँ, तंबाकू का नर्सरी कैसे लगाया जा सकता है, उसकी उस नर्सरी की रीप्लांटेशन कैसे की जा सकती है, और उसके पश्चात उसको खेत में कैसे नर्सरी से ला करके और खेतों में कैसे लगाया जाता है, उसके पश्चात उसमें किस प्रकार पानी का उपयोग किया जाता है, ये सारी बातें हमने पिछले 3 वीडियो में बताया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप जा करके वहाँ पे देख सकते हैं। आज हम जो कि अभी तंबाकू लगभग 50-55 दिन का हो गया है और ऑलमोस्ट ये हार्वेस्टिंग के नज़दीक है, अब ये कटाई के करीब पहुंच चुका है, तो अभी के स्थिति के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। अगर आप फेसबुक पेज पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी आप देख रहे हैं कि हाँ, ये तंबाकू की खेत की स्थिति कुछ इस प्रकार है, और इस वक्त इसमें क्या कार्य किया जाता है, किस प्रकार इसकी देख रेख की जाती है, उसी बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन साथ में एक बात और बोलेंगे कि कभी भी आप तंबाकू का सेवन न करें, ये शरीर के लिए नुकसानदेह है और इससे कैंसर तक हो सकता है और वो आपको मृत्यु तक पहुंचा सकती है, इसलिए आप तंबाकू का सेवन कभी ना करें। अब देख सकते हैं जब तंबाकू इस अवस्था में पहुंच जाता है तो इसके साथ कुछ प्रक्रियाएं की जाती है, जैसे कि ये इसकी जो ऊपर वाला हिस्सा है यानी कि जो इसकी मुंडी होती है उसको काट दिया जाता है, दो भागों में चीर दिया जाता है इस अवस्था में आने के बाद। ये इसलिए होता है क्योंकि इसके पश्चात ये आगे बढ़े नहीं, ग्रो नहीं करे, और सिर्फ उस पौधे को बढ़ने के लिए छोड़ा जाता है जिससे हमें बीज प्राप्त करनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये आगे बढ़ रहा है तो इससे बीज आते हैं, और बीज यही बीज आगे चल के इससे बीज निकाला जाता है और पुनः एक बार अगले साल उसकी नर्सरी लगाई जाती है। जैसे आप देख सकते हैं हर पौधे को लगभग दो भागों में बांट दिया जाता है कि इससे ये आगे नहीं बढ़ सके। हर पौधे को आप देख सकते हैं, इसको देहाती भाषा में मथमरनी बोलते हैं। और एक प्रक्रिया इसके साथ की जाती है, जो भी टहनियाँ उगी हुई है, जैसे कि ये टहनियाँ हो गया, इसको लेबर के माध्यम से इसको इस सारी टहनियों को खेतों में से निकलवा दिया जाता है। ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। तंबाकू की खेती में मेहनत बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा, और इसी के एवज में तंबाकू से किसान बंधु को पैसा भी मिलता है। आप नीचे भी देख सकते हैं, जैसे कि इस समय में, इस टाइम पे किसान बंधु आपको तंबाकू तो है ही, साथ में नीचे गेहूं लगा चुके हैं, क्योंकि तंबाकू तो अब कट जाएगा और गेहूं निकल आता है। जब खेत की निराई करवाई जाती है तो उस टाइम में इसमें गेहूं लगा दिया जाता है और तंबाकू कट जाता है और आगे गेहूं निकल पड़ता है। अभी ये जो छोटे छोटे पौधे आप देख रहे हैं ये इस चीज़ का नतीजा है, क्योंकि इसमें एक रोग होता है जिसे हम बझिया रोग बोलते हैं। यहाँ पे ये जो तंबाकू है ये बझिया रोग का शिकार हो गया है, इसको भी उखाड़ देना पड़ेगा किसान बंधु को बहुत जल्दी। तो बझिया रोग जिस तंबाकू में हो जाता है उसको निकाल करके और उसके जगह पे पुनः रीरोपण किया जाता है, इसीलिए ये पौधा थोड़ा छोटा होता है। और तंबाकू की क्वालिटी जिस हिसाब से होती है, अगर ऐसे पौधे बहुत ज़्यादा मात्रा में खेतों में आए हुए हैं, इस तरह से पौधे तैयार हैं, तो उसका रेट भी बहुत अच्छा मिलता है। तो बात करते हैं कि इसकी बिक्री कैसे होती है और किसान बंधु को इससे लाभ किस हिसाब से होता है। सबसे पहले तो किसान बंधु इसको खेत में ही बेच देते हैं। पहली प्रक्रिया ये होती है कि ये खेतों से ही बिक जाता है, खेत से बिकता है लगभग, ये कट्ठा के हिसाब से। अगर हम एकड़ के हिसाब से ही बात करें तो लगभग आपको 1 लाख से 1.5 लाख रुपये पर एकड़ के हिसाब से इसकी बिक्री खेतों से ही हो जाती है, और उसके बाद किसान को कुछ नहीं करना होता है,
बस पैसे लिए और बाकी का काम जो खरीदार है वही करता है। दूसरी इसका बिक्री का ये उपाय होता है कि ये किसान बंधु इसको कटवाते हैं, आगे की प्रक्रिया करते हैं और उसके पश्चात अपने घर में तंबाकू तैयार करके और वहाँ से उसको बेचते हैं, उसमें थोड़ी रकम और ज़्यादा मिलती है। साथ में इसमें किस्मत का भी साथ होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऊपर वाले की दया दृष्टि खराब हुई और पत्थल जैसे कि ओले ओलावृष्टि अगर हो जाता है, जो कि आमतौर पे जनवरी फरवरी के महीना में उत्तरी बिहार में होता है, तो ओलावृष्टि होता है तो पत्थरों इसके पत्तों में छिद्र हो जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं और फिर ये इसका रेट काफ़ी कम हो जाता है। जैसे कि अगर 5,000 6,000 रुपये कट्ठा तंबाकू बिक रहा है तो उसका रेट सीधे घट के 1,000 से 2,000 रुपये पर कट्ठा हो जाता है। अब बात करते हैं कि इसमें कुछ स्प्रे कोई दवा का छिड़काव होता है कि नहीं होता है। किसान बंधु, इसमें दवा का स्प्रे होता है। जब पौधे खेतों में लगाए जाते हैं नर्सरी से ला करके, तो सबसे पहले तो उसको हल्के फुल्के इसमें कीट लगते हैं, उसको बचाने के लिए इसमें साइपरमेथ्रिन या फिर इमामेक्टिन बेंजोएट हल्के किसी कीटनाशक का प्रयोग इसमें किया जाता है। साथ में इसमें तो और कुछ चाहिए नहीं, ये तो फल देता नहीं है, सिर्फ इसको चाहिए कि इसके पत्ते, ये पत्तों का जो थिकनेस होता है वो मोटा हो, इसमें हरापन बना रहे और काफ़ी ज़्यादा इसकी ग्रोथ हो। तो उसके लिए किसान बंधु ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करते हैं, साथ में नाइट्रोबिनजिन का भी प्रयोग करते हैं, जिससे उपज काफ़ी बढ़िया मिलता है, पौधे जल्दी ग्रो करते हैं। आने वाले 10 से 15 दिन में इसकी कटाई हो जाएगी और लास्ट समय में इसमें एक पानी भी अभी दिया जाना बाकी है। ये एक पानी लगभग पूरे समय में, लगभग 65-70 दिन के टाइम में 2 से 3 पानी की आवश्यकता तंबाकू को पड़ती है। तो बात करेंगे कि तंबाकू के बारे में आगे आने वाले वीडियोस में और भी आगे की प्रोसेस क्या होती है, किस प्रकार तंबाकू तैयार होता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पे हर एग्रीकल्चर संबंधित वीडियो को मैं कोशिश करता हूँ कि आप सभी के सामने लाऊँ। खास करके उत्तर बिहार में जितनी भी खेतियाँ होती है उसके बारे में मैं इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, किसान हित में इस वीडियो को शेयर करें और याद रखें, देश के किसान और देश के जवानों का हमेशा सम्मान करें। नमस्कार।